आपको बता दें कुलदीप सिंह पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम जटपुरा थाना आहार ने अनूप शहर थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया, मैं अपने गन्ने की ट्रॉली शाम समय करीब 7:30 बजे महाबली धर्म काटा शहर पर तुलवाने के लिए आया था और मेरे साथ मेरे चाचा राजेंद्र सिंह साथ में थे। अनूप शहर चौराहे पर मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया था, मैंने उसको साइड में लगाया। इतने में दो सिपाही मेरे पास आए और मेरे साथ है मेरे चाचा के साथ अनूप शहर थाने के सिपाहियों ने अभद्र भाषा और गाली गलौज करने लगे। कहने लगे, साले तेरे बाप का रोड है, इसको यहाँ से हटा। कुलदीप सिंह ने अनूप शहर थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि थाना अध्यक्ष महोदय सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं जटपुरा से हूँ। थाना कौन सा? थाना आहार है हमारा। मैं अनूप शहर में आया था गन्ने तुलवाने के लिए, चौराहे पे आके मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया तो मैंने साइड में लगवा लिया। मैं और ये चाचा बाइक पर थे। किसने लगवा लिया साइड में? मैंने लगवा लिया, ट्रैक्टर खराब हो गया था, साइड में खड़ा करवा लिया और दोनों ने हमने बाइक भी साइड में लगा ली। उधर चौराहे पर दो सिपाही आए थे, उनमें से एक सिपाही ने आके हमारे साथ बदतमीजी करी है और हमें गाली गलौज दी है। मादरचोद भोसड़ी वाले, तुम्हारे बाप का रोड है क्या है? इस तरीके की बहुत ज़्यादा अभद्रता करी है हमारे साथ और हम एप्लीकेशन लेकर जो है यहाँ आए हैं थाने में और SO साहब को दे दिए। देखते हैं क्या करते हैं कार्रवाई, और हम कार्रवाई चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन कुछ नहीं दिया है, उन्होंने बस यही कह दिया है कि हम देख लेंगे आने दो सिपाही को, ना ही उन्होंने बुलवाया उसे ना कुछ। मैं पहचान लूँगा उसको। नाम के मालूम है क्या नाम है उसका? नाम नहीं है मालूम, काली मोटरसाइकिल थी जो उन्होंने बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी। छोटी